गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने मेरी टेल टाइडी मॉडिफिकेशन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और किया है, वो आप देख सकते हैं। वो ये है, ये दोनों साइड के एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये है RC KTM 200 RC KTM 125 की टेल। ओके, तो एक्चुअली क्या है ना कि इसका ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा कम चौड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है जब अपना ये व्हील रोटेट होता है तो सारा जो मड और डस्ट है वो यहाँ आकर के जमा हो जाता था। ये देख सकते हैं, मैं इसको छुड़ा रहा हूँ, ये सारा वही था। ओके, तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ अपने इस पोर्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा किया हुआ है। बस इसमें मैंने एक प्लास्टिक सीट कह लो या कुछ भी कह लो, उसको मैंने एक बस डबल टेप की हेल्प से इसको ज्वाइंट कर दिया है ताकि ये डस्ट जो है ऊपर ना आए। ओके, और अभी फ़िलहाल मैंने इस मडगार्ड को लगा रखा है जो मैंने अपनी मॉडिफिकेशन में दिखाया हुआ आपको। ओके, और ये अपने मडगार्ड का कट करके टुकड़ा लगा दिया, वो टूट गया था मेरा। ओके, तो अब मानसून का टाइम आने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मानसून का टाइम आने वाला है, तो इसको मैं आफ्टर मानसून इसको रिमूव करने वाला हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं आप लोगों को लुक दिखाने वाला हूँ। और एक छोटी सी मॉडिफिकेशन दोस्तों की है, मैंने इसमें फ्लैशर ऐड किया हुआ है, तो आप लाइट देख सकते हो किस तरह से ब्लिंग हो रही है। ओके, और पीछे से लुक भी देख सकते हो क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है। ओके, लुक में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड है, ये देखिए, देख सकते हैं आप बैक साइड का लुक। ओके, तो इस वाले मडगार्ड को मैं आफ्टर मानसून अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। ओके, जिसके बाद अपनी गाड़ी का लुक एक नंबर का आने वाला है, एक नंबर का लुक होने वाला है। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक आया हुआ है, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी हुई है, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो ही बना दूँ। इसका मैं आपको इसकी डिटेल में आपको बता दूँगा कि आगे कि ये मैंने क्या चीज़ लगाई है। ओके, इसके बीच में एक मैंने स्ट्रिप 3mm की टेप लगाई हुई है जो स्टंट में बहुत मजबूत होती है। उस टेप का यूज़ मैंने अपने इस फ्लैप इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे किया था। ओके, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है। आप गौर करें तो देख सकते हैं एक पतली सी स्ट्रिप आपको दिखाई देगी, बहुत ही बारीक स्ट्रिप मैंने लगाई हुई है इसमें। ओके, और इसको यहाँ से भी सपोर्ट मिल गया यहाँ से इस जगह से, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है किसी जगह नहीं। तो दोस्तों मैंने अपनी टेल की जो मॉडिफिकेशन की है, जो साइड में जो पैनल से लगाए हैं, उसके लिए मैंने इस वाले गत्ते का यूज़ किया है। ये एक्चुअली क्या है, अंदर से फॉर्म टाइप होता है। ओके, और ऊपर से थोड़ा सा हार्ड होता है और ये दिखने में बिल्कुल प्लास्टिक सीट जैसा दिखता है। आप इसे बड़ी इजीली कट कर सकते हैं कैंची से या किसी भी ब्लेड से। ओके, आपको इसके लिए आरी ब्लेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल इजीली स्मूथ कट हो जाता है बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं इस पर बहुत सी जगह पर आपने देखा भी होगा इसके बैनर वगैरह बनाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें ये जो बीच की जो लेयर है PU फॉर्म जैसी होती है दोस्तों, जैसे अपना ये PU फॉर्म की ब्लैक शीट मैंने कई बार आपको दिखाया भी होगा। एक सेकेंड, तो जिस तरह से ये अपनी ये PU फॉर्म की सीट है दोस्तों, इसी तरीके से इसके अंदर भी फॉर्म ही होता है। थोड़ा सा दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, और ऊपर नीचे से थोड़ा सा हार्ड टाइप होता है, ये कुछ लकड़ी जैसा होता है। ओके, तो लकड़ नहीं कह सकते हैं इसको, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ इस जगह से। ये देखिए, आपने देखा भी होगा कई बार, इसको मैं तोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, जल्दी टूटता नहीं है, फ्लैक्सीबल है। ओके, तो मुझे अच्छा लगा और ईजी लगा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया और मैंने इस साइड से इसको यूज़ किया और इस पर ब्लैक पेंट का यूज़ किया मैंने। ओके, आप देख सकते हैं ये वही शेप है, इसी शेप में मैंने यहाँ से कट किया था इसको। आपको भी अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये। बस किसी बच्चे के हाथ में ना पड़े या किसी उसके हाथ में ना पड़े, वरना वो तोड़ सकता है इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ये बाइक चला के दिखा दे तू।
दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।